आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर बुक की, जो कि रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी गई है। मैं इस बुक के 24 लॉज की वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लें और फिर ही ये वाली वीडियो देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट 24 लॉज की, तो चलिए शुरू करते हैं 25th लॉ से। लॉ नंबर 25, रिक्रिएट योरसेल्फ। कभी भी उस रोल को एक्सेप्ट ना करें जो लोग आप पर थोपते हैं। अपने कैरेक्टर को रीबिल्ड करें। अपने कैरेक्टर को एक ऐसा कैरेक्टर बना लें जो लोगों को अट्रैक्ट करता हो, और पब्लिक एक्शंस में आप ड्रामेटिक चीज़ें ऐड करें जिससे कि आपके सपोर्टर बढ़े, और जितने ज़्यादा आपके सपोर्टर होंगे उतना ही आपका अपोनेंट आपसे पंगा लेने में हिचकिचाएगा। लॉ नंबर 26, कीप योर हैंड्स क्लीन। अपने आप को लोगों के सामने बहुत ही साफ सुथरा दिखाएं, और अगर आपसे कोई गलत काम हो भी जाता है तो उसका दोष ना स्वीकार करें और लोगों के सामने माफ़ी ना मांगें, क्योंकि जब आप लोगों के सामने माफ़ी मांगते हैं तो लोग आपके इरादों और आपकी योग्यताओं पर शक करते हैं। इसलिए उस काम का दोष एक ऐसे व्यक्ति पर डाल दें जो उस दोष से बचने के लिए कोई सवाल जवाब ना कर पाए। लॉ नंबर 27, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइफ फॉलोइंग। लोगों की यह डिज़ायर होती है कि वह किसी पर बिलीव करें। आप इस डिज़ायर का यूज़ कर सकते हैं लोगों को एक नया कोर्स देके, लोगों को एक नया फेथ देकर। जब भी आप लोगों को एक नया फेथ दें तो आप अपनी बातों को अस्पष्ट रखें और लोगों के उत्साह को बढ़ाएं और क्लियर थिंकिंग पर ज़्यादा फोकस ना करें। आपके दिए गए नए फेथ पर बिलीव के कारण आपकी वह नई फॉलोइंग दूसरे लोगों को आप पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करेगी और आपकी रक्षा आपके हेटर से करेगी। लॉ नंबर 28, एंटर एक्शंस विद बोल्डनेस। किसी भी काम को करें तो पूरे जोश और साहस के साथ करें, क्योंकि लोग उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं जो लोग साहसी होते हैं। इवन कि फीमेल्स भी उन्हीं के साथ रहना पसंद करती हैं जो लोग ब्रेव होते हैं। इसलिए अगर आपको अपने सपोर्टर्स बढ़ाने हैं तो आपको अपने कामों में बोल्डनेस लानी होगी। लॉ नंबर 29, प्लान ऑल द वे टू द एंड। जब भी आप कोई इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हों तो उस काम की स्टार्ट टू एंडिंग तक की प्लानिंग के साथ करें। उस काम को करने में आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है उसे भी आप प्लानिंग में शामिल करें। ऐसा करने से यह होता है कि अगर वह प्रॉब्लम सच में उस काम को करने में आती है तो आप जल्दी सरप्राइज नहीं होते हैं और कूल डाउन माइंड से आप उस प्रॉब्लम का टैकल करते हैं। कई लोग जोश जोश में काम को बिना प्लानिंग के स्टार्ट कर तो देते हैं, लेकिन जब उस काम को करते करते वह मिड पर पहुंचते हैं और वह प्रॉब्लम फेस करते हैं तब उन्हें यह पता नहीं होता है कि उस काम को आगे कैसे करें। इसलिए आपको स्टार्ट टू एंडिंग तक की प्लानिंग किसी भी काम की करनी चाहिए। लॉ नंबर 30, मेक योर अकम्प्लिशमेंट सीम एफर्टलेस। जब भी आप कोई भी बड़ी चीज़ अचीव करें तो लोगों को ऐसा प्रिटेंड करें कि वह चीज़ को अचीव करना आपके लिए दाएं हाथ का खेल था। लोगों को ऐसा दिखाएं कि आपको उस चीज़ को अचीव करने के लिए कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। इससे लोगों को ऐसा लगेगा कि आप बाय बर्थ ही टैलेंटेड हैं और वह आपके साथ रहना पसंद करेंगे, और जितने लोग आपके सपोर्टर्स रहेंगे आप उतने ही पावरफुल दिखेंगे। लॉ नंबर 31, कंट्रोल द ऑप्शंस। लोगों को धोखा देने का सबसे बढ़िया तरीका वह होता है जिसमें लोगों को ऐसा लगे कि उनके पास कोई चॉइस है, और आपके विक्टिम्स को ऐसा लगना चाहिए कि वो अपने कंट्रोल में हैं, बट इन रियलिटी वो आपके कंट्रोल में हों। दूसरों को हमेशा ऐसे ऑप्शंस दें, चाहे वो जो भी ऑप्शन चूज करें फ़ायदा आप ही का हो। इससे उनको लगता है कि उनके पास एक चॉइस थी और वह आप पे शक नहीं करते हैं। लॉ नंबर 32, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। लोगों की कल्पनाओं के साथ खेलें। पता लगाएं कि लोग अपने फ्यूचर के बारे में क्या कल्पना करते हैं। उस कल्पना को पूरा करने के अस्पष्ट वादे करें। वह लोग अपनी कल्पनाओं को सच करने की उम्मीद में आपके सपोर्टर्स बन जाएंगे, और तब तक आपके सपोर्टर्स रहेंगे जब तक आप उनकी थोड़ी थोड़ी कल्पना को सच करते रहेंगे। लॉ नंबर 33, डिस्कवर ईच मैंस थंब स्क्रू। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। वह कमजोरी कोई अनकंट्रोलेबल इमोशन या फिर उसका कोई सीक्रेट हो सकता है। आपको भी अपने अपोनेंट की कमजोरी को किसी भी तरह ढूंढना है, और जब आपको उसकी कमजोरी का पता लग जाए आपको उसकी कमजोरी का एडवांटेज उठाना है, ताकि आपका अपोनेंट आप पर चाहकर भी वार ना कर सके। लॉ नंबर 34, बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन।
जिस तरीके से आप खुद को कैरी करेंगे वह तरीका लोगों को यह बताता है कि आपको किस तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। अगर आप बहुत ही गंदे रहेंगे या फिर लोगों के साथ बदतमीजी करेंगे तो लोग आपके साथ बदतमीजी करेंगे। इसीलिए आपको एक राजा की तरह रहना है, अपनी खुद की रिस्पेक्ट करनी है और दूसरों की भी रिस्पेक्ट करनी है ताकि वो भी आपकी रिस्पेक्ट करें। लॉ नंबर 35, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। हर काम को सही टाइम पे करें, अपने टाइम को मैनेज करके चलें। अगर आप हमेशा हड़बड़ी में दिखाई देते हैं तो लोग आपको आम इंसानों की तरह ट्रीट करेंगे, और अगर आपको पावरफुल दिखना है तो आपको अपने टाइम को मैनेज करके चलना पड़ेगा ताकि आप काम को करते वक्त हड़बड़ी में ना दिखें और बहुत ही पेशेंट और काम दिखें। लॉ नंबर 36, डिसअग्री थिंग्स यू कैन नॉट हैव, इग्नोरिंग देम इज द बेस्ट रिवेंज। अगर आप लोगों के साथ किसी छोटी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं तो आप उस प्रॉब्लम को क्रेडिबिलिटी देते हैं, यानी उस प्रॉब्लम को लोगों को बड़ा शो करवाते हैं। इसी तरह अगर आप अपने अपोनेंट की बात लोगों से अक्सर करते रहते हैं या लोगों के सामने अपोनेंट के बारे में बात कर टेंस्ड हो जाते हैं तो आप उस अपोनेंट को खुद से ज़्यादा पावरफुल शो करवाते हैं। इसीलिए बेटर यही रहेगा कि आप लोगों के सामने उस अपोनेंट को इग्नोर करें और अकेले में उस अपोनेंट को हराने के लिए प्लानिंग भी करते रहें। लॉ नंबर 37, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। लोगों को बोल कर अपनी पावर कभी मत बताएं, क्योंकि लोग ज़्यादा बोलने वाले लोगों को पावरफुल कम और स्टूपिड ज़्यादा मानते हैं। इसीलिए लोगों को अपनी पावर फील करवाएं। लोगों को अपनी पावर फील करवाने के लिए उन्हें स्ट्राइकिंग चीज़ें दिखाएं, जैसे उनके लिए ग्रैंड पार्टीज़ रखें। आपकी ग्रैंड पार्टीज़ देखकर वह दंग रह जाएंगे और उन्हें यह पता भी नहीं चलेगा कि आप यह सब अपनी पावर फील कराने के लिए कर रहे हैं। लॉ नंबर 38, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। अगर आप लोगों के कॉमन आइडिया के अगेंस्ट जाते हैं और अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को दिखाते हैं तो लोग आपको अपना अपोनेंट मानेंगे और आपसे जेलस करने लगेंगे और आपसे रिवेंज लेने के बारे में सोचेंगे। इसलिए आप अपने क्रिएटिव आइडिया को अकेले में एग्जीक्यूट कीजिए या फिर ऐसे लोगों के साथ एग्जीक्यूट करें जो कि आप ही के जैसे क्रिएटिव हों। इसलिए सोचे वही जैसा आप चाहते हैं और बिहेव वैसा ही करें जैसा लोग आपसे चाहते हैं। लॉ नंबर 39, स्टर अप वाटर टू कैच फिश। आप दूसरों के गुस्से और इमोशंस का फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा काम रहना होगा। अगर आप अपने एनिमीज को गुस्सा दिला सकते हैं और खुद काम रह सकते हैं तो आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा। आप उनके इमोशन लूज करवा दीजिए और फिर आप उनका एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि वह कंट्रोल में नहीं है कि वह कैसा फील कर रहे हैं। लॉ नंबर 40, डिस्पाइज द फ्री लंच। इस दुनिया में फ्री नाम की चीज़ कोई भी नहीं है, इसीलिए अगर कोई भी आपको कुछ भी फ्री में देता है तो इसके पीछे उसका कुछ कोई रीज़न हो सकता है। सो आपको उन चीज़ों से केयरफुल रहना चाहिए जो कि आपको फ्री में ऑफर की जा रही हों। लॉ नंबर 41, अवॉइड स्टेपिंग इनटू ग्रेट मैन्स शू। अगर आपके घर में कोई भी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है तो आपको उनके पीछे पीछे नहीं चलना चाहिए। अगर आप उनके पीछे पीछे चलते हैं तो आपको उनकी परछाई माना जाएगा और आपकी खुद की कोई पहचान नहीं रहेगी। इसीलिए आप खुद की कोई फील्ड चुनिए और वहाँ पर सक्सेसफुल होकर दिखाइए। लॉ नंबर 42, स्ट्राइक द शेफर्ड टू स्कैटर द शीप। अगर भेड़ों को बिखराना है तो चरवाहे को निशाना बनाएं। कोई भी ग्रुप सफल तभी होता है जब उसका लीडर सफल होता है। इसीलिए अगर आप अपने अपोनेंट ग्रुप को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो आप उस ग्रुप के मेंबर्स पर वार ना करें, बल्कि उस ग्रुप के लीडर पर वार करें। जब उस ग्रुप का लीडर ही नहीं रहेगा और उस ग्रुप को कोई लीड ही नहीं करेगा तो उस ग्रुप के मेंबर बिखर जाएंगे और वह ग्रुप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए अगर भेड़ों को बिखराना है तो चरवाहे को निशाना बनाएं। लॉ नंबर 43, वर्क ऑन द हार्ट एंड द माइंड ऑफ अदर्स। अगर आपको किसी से भी अपना काम निकलवाना है तो आप उन्हें फोर्स मत कीजिए कि वो आपका काम करें। अगर आप उन्हें फोर्स करेंगे उनके मन में आपके लिए नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी। इसीलिए अगर आपको किसी से भी अपना काम निकलवाना है तो आप उन्हें सेड्यूस कीजिए, उन्हें बहलाइए फुसलाइए कि वह आपका काम करें। और आप उन्हें बहला फुसला तभी सकते हैं जब आपको उनकी साइकोलॉजी पता हो, उनकी वीकनेसेस आपको सब पता हो। लॉ नंबर 44, डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। जिस तरह एक मिरर हमें हमारी रियलिटी दिखाता है, वह मिरर दूसरों को बेवकूफ़ बनाने का भी एक परफेक्ट टूल है। इसी तरीके से आप अपने एनिमीज के लिए एक आईना बन सकते हैं। जैसा वो करें वही आप करिए।
ऐसा करने से वह आपकी स्ट्रेटजी नहीं समझ पाएंगे और आप उनके अंदर गुस्से के इमोशन को जगा देंगे, जिससे वह कोई ना कोई बेवकूफ़ी वाली हरकत ज़रूर करेंगे और आप उस समय उनका एडवांटेज ले सकते हैं। लॉ नंबर 45, प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। सभी को पता है कि चेंज एक ज़रूरी चीज़ है, बट डे टू डे लाइफ में लोग हैबिट के साथ ही काम करना पसंद करते हैं, इसीलिए आप कभी भी एक ही दिन में बहुत सारा चेंज ना लाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो लोग आपसे घृणा करेंगे और आपके अपोजिट जाएंगे। इसीलिए लोगों के सामने आप चेंज को सही ठहराएं और चेंज को सही ठहराते हुए धीरे धीरे चेंज लाएं। लॉ नंबर 46, नेवर अपीयर टू मच परफेक्ट। लोगों को कभी भी ऐसा शो ना करवाएं कि आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं, आप में कोई फॉल्ट है ही नहीं। अगर आप लोगों को ऐसा शो करवाते हैं तो लोग आपसे जेलस करने लगेंगे और आपके रास्ते में बाधाएं डालेंगे, इसीलिए कभी कभी आप अपने आप में कोई डिफेक्ट दिखाइए ताकि लोग आपसे जेलस ना करें और आपके रास्ते में बाधाएं ना बढ़ाएं। लॉ नंबर 47, डू नॉट गो पास्ट द मार्क यू एम। जब आप जीत जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको रुक जाना चाहिए। काफ़ी बार लोग जीतने के बाद गलतियां करते हैं, जीतने के बाद लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और अपने एम पर नहीं रुकते हैं। ऐसा करने से आप बहुत ज़्यादा एनिमीज बना लेते हैं और इन द एंड आपको भी हार का मुंह देखना पड़ता है, इसीलिए जब आप अपने एम तक पहुंच जाएं तो आपको रुक जाना चाहिए। लॉ नंबर 48, अज्यूम फॉर्मलेसनेस। कभी भी आप अपनी एक इमेज ना बनाएं, अपने आप को किसी भी शेप में ना ढालें। अगर आप एक ही शेप में ढले रहते हैं और अपने प्लान्स को विजिबल रखते हैं, आपके अपोनेंट्स आप पर आसानी से अटैक कर सकते हैं, इसीलिए हमेशा अपने आप में बदलाव लाते रहें ताकि आपको समझना बहुत ही मुश्किल हो जाए।